अच्छा भाई सीन ये है कि ना हम अंदर घुसे तो जो आवाज है उसका एक दोस्त मिलता है, वो तो इत्तेफाक से जो है उनके घर में ट्यूशन पढ़ने ही आता है। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। तो यार आप लोग मुझे तो कब से देख ही रहे होंगे, आप लोग भी भाई को काफ़ी याद कर रहे होंगे। तो यार आज भाई भी वहाँ पे अकेले बैठे होते हैं, भाई ने भी कुछ बनाया आप लोग के लिए, एक सीन बनाया, तो आप वो उसको देखें कि उन्होंने क्या सीन किया। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल चाल है। तो भाई यूनिवर्सिटी आ गया, संडे का दिन है और एक दिन मिलता है सोने को, मगर नहीं क्लास लेनी है तो क्लास जो है उसके लिए लेट हो गया। क्लास लेता हूँ जल्दी से और आज शाम के कोई सीन है वो दिखाता हूँ आज। मेरी क्लास चल रही है और ये लोग फिल्म देख रहे हैं और ये साहब मैच देख रहे हैं। प्रेजेंट। अच्छा भाई क्लास खत्म हो चुकी है, अब जा रहे हैं घर की तरफ। होने वाला सर अमाल भाई, क्या सीखा आपने? हमने ये सीखा कि मैच में 3 आउट हो गए। शाबाश बेटा, बहुत बढ़िया। अच्छा भाई कराची का वेदर जो है वो कुछ बेहतर हो गया है, रात में ठंड है दिन में थोड़ी सी गर्मी है, मगर अच्छा मौसम हो गया, धूप हल्की है। मैं रह रहा हूँ इधर और अब्बू गए हुए हैं इधर, कितना फासला, तकरीबन 2 हफ्ते हो गए अभी तक तो आएगी, देखें कब तक आते हैं भाई। अकेले रह रहे कि अब जो है अकेले अजीब सा लगा है, बाहर निकलते ही गए आते हैं फिर जाते हैं और शाम में अच्छे मिलते हैं। अच्छा भाई तो रात हो चुकी है और सीन ये है कि हम रेडी हो चुके हैं, हम जा रहे हैं शादी में, क्योंकि घर पे खाना नहीं है तो हमने सोचा कि मुफ्ता मारते हैं। और मेरे साथ जा रहा है मेरा कज़न माज भाई। अस्सलाम वालेकुम सलाम। तो भाई क्या सीन है, कहाँ जाना है ये बताओ, हम मुफ्ता मारने जा रहे हैं और कहाँ जा रहे हैं कहाँ जाना है ये तो बताओ, कहाँ का सोचा है? पता नहीं, आपके ऊपर डिपेंड है। चलो देखते हैं। मामू जा रहे हैं मगर मामू हमारे ब्लॉग में नहीं आ रहे, वो शर्मा रहे हैं पता नहीं क्या मसला है उनको, तो पहुँचते हैं और दिखाते हैं कहाँ बैठते हैं क्या होता है। अच्छी जगह जाएंगे, दुआ करो खैर खैरी सब कुछ हो जाए, तो मिलते हैं आपको वहीं पे। अच्छा भाई तो आधा घंटा घूमने के बाद हमें हॉल मिल चुका है और बारात आ चुकी है, बारात जैसी अंदर जाएगी उसके साथ साथ हम भी अंदर जाएंगे, तो देखते हैं क्या सीन है। हाँ वो क्या ख्याल है फिर, साथ चलें या साथ चलें साथ? अच्छा भाई सीन ये है कि ना हम अंदर घुसे हैं तो जो आवाज़ है उसका एक दोस्त मिलता है, वो इत्तेफाक से जो है उनके घर में ट्यूशन पढ़ने ही आता है, तो उनको हमने ये बताया कि भाई हम लड़के वालों की तरफ से, तो थोड़ा सा डर तो लग रहा है मगर खैर है करते हैं, एक्सपीरियंस अच्छा हो गया ये वाला। अच्छा भाई वहाँ से हट के हम दूसरी जगह पे आ गए, क्योंकि लड़के ने देख बच्चे ने देख लिया था और वो निक थे इनके मास के दोस्त। मास भाई क्या कर आ रहे हो भाई? कुछ नहीं बस अल्लाह के ऊपर, मसला तो कोई नहीं होगा ना? नहीं हाँ बस ये बताए नहीं, खाना जो है वो मज़ेदार लग रहा है मुझे, बहुत सारी डिशेस बहुत सारी, तो देखते हैं क्या क्या है। खाना ऐसी बात नहीं, जोरदार खाना आ गया भाई और ये आ गए हमारे प्रॉन्स भाई, मज़ा ही आ गया। तो भाई घर आ चुके हैं, खाना वाना खा लिया, मिशन हमारा कामयाब हो चुका है। और बताओ मास, खाना बहुत आला था, मतलब इतने सारे डिशेस और सारी वीआईपी थी। सही बात है, तकरीबन हम कोई आधा घंटा घूमे उसके बाद हमें वो हॉल मिला और फिर हमने खाना खाया, अभी मज़ा आ गया। नसीब था, नसीब था, नसीब अपना अपना। तो भाई इस ब्लॉग को करते हैं यहीं पे एंड, अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा, अल्लाह हाफिज़। तो भाई अब आप लोग ये बताएं कि उनका व्लॉग कैसा लगा और कितना अच्छा लगा, कमेंट में ज़रूर बताएं, और अच्छा लगा तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। फिर मिलेंगे अगले व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।